डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सेकंड, इनमें जो ग्रुप से 8 है, जो पीरियड से 7 है ना, और इन्होंने भी एटॉमिक मास को सीक्वेंशियली आगे बढ़ाया। अब बढ़ाने में इन्होंने देखा कि मुझे क्या हो रहा है, कुछ इंटरवल के बाद में वही प्रॉपर्टीज रिपीट फिर से होती जा रही है। ठीक है बेटा, तो इन्होंने ऐसे बढ़ाया। अब ये चीजें समझ में आई। अब क्या हुआ, ये तो इनका प्रेडिक्टेबल है ना। अब क्या है, इनके मैरिट्स और डीमेरिट्स। प्रेडिक्टेबल नहीं, बस आपको यही याद रखना है कि ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं, किस बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया है ना। क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, या तो आपसे मैरिट पूछेगा या डिमेरिट पूछेगा, वो पीरियोडिक टेबल ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने कैसे अरेंज किया और क्या अरेंज किया। वो हमेशा लिमिटेशन, मैरिट, डिमेरिट है ना, यही पूछेगा। तो अब हम यहाँ पे इनके मैरिट्स की पहले बात करते हैं, फिर डिमेरिट्स की बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पीरियोडिक टेबल देखा। अच्छा, एक चीज और, इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो काफी काफी लार्ज स्केल पे जो भी इन्होंने क्वांटिटीज बताई, मतलब जो भी एलिमेंट बताए और जो भी एलिमेंट की क्वालिटीज बताई उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे, वो क्या हो रहा था, सही हो रहा था है ना। कुछ इन्होंने ऐसे भी एलिमेंट्स बताए जो क्या था, उसने डिस्कवर नहीं था, लेकिन एटॉमिक बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, मास के बेसिस पे उन्होंने उसके एटॉमिक मास भी बताए, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताए, वो भी एप्लीकेबल हो रहा था। मतलब क्या था कि इस टाइम जितने भी एलिमेंट डिस्कवर थे उन्होंने उसे सिक्वेंसली अरेंज किया, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ जो बहुत उस टाइम डिस्कवर नहीं थे उनके प्लेस के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट के बीच में कुछ यहाँ पे नया एलिमेंट डिस्कवर कभी होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका एटॉमिक मास क्या होगा, इन्होंने ये भी बताया। मतलब उस टाइम के हिसाब से काफी एप्लीकेबल इन्होंने पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया। अब हम बात करते हैं इनके मैरिट्स है ना। अच्छा, चलिए, मैरिट्स, मैरिट्स मतलब एडवांटेज, मतलब क्या अच्छाई थी है ना, क्या अच्छाई थी या क्या एडवांटेज थे, क्या सही सही बताए कि नहीं बताए किया है। तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी मिसमैच नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं पे भी आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है जो डिसिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी अलग ग्रुप में अलग एलिमेंट के साथ में रखा हुआ है। मतलब फर्स्ट इनका एडवांटेज क्या, मैरिट्स क्या, मैरिट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया। हाँ जी, तो फर्स्ट मैरिट क्या हुआ इनका, ऑल एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी है ना। पहला इनका मैरिट हुआ, ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, फर्स्ट मैरिट। इसके अलावा और भी कुछ मैरिट आपको दिखते हैं इनका, सर? द मैटर विच वाज द एलिमेंट विच वाज डिस्कवर्ड लेटर वाज आल्सो गेटिंग अ प्लेस इन द मैटेरियल पीरियोडिक टेबल। भैया बता रहे हैं कि सर उस टाइम क्या था कि बस 63 ही एलिमेंट डिस्कवर हुए थे है ना, इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे डिस्कवर किया था है ना। मतलब आप देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं अगर, तो बुक में क्या है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल लिखा हुआ है बेटा है ना। पीरियोडिक टेबल में देखिए इसके साथ मास भी लिखा हुआ है, जैसे लिथियम मास लिखा हुआ है 6.939, फिर बेरिलियम 9.012। अच्छा देखिए, यहाँ बेरिलियम से याद आया, यहाँ पे क्या है बुक में शायद ना लिखा हो, बेरिलियम का ना जब ये मैंगनीज ने पीरियोडिक टेबल दिया
तो उसके पहले बेरिलियम का जो मास था उसमें कंफ्यूजन था, बेरिलियम का मास कंसीडर किया जाता था 14.3 समथिंग कुछ, है ना, जिसकी प्लेस क्या आती थी, बोरॉन के आगे आ जाती थी। क्या होता था, बोरॉन का मास आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 8.81 लिखा हुआ है, है ना, और बेरिलियम का मास इनके पहले तक क्या कंसीडर किया जाता था, 14.03 कंसीडर किया जाता था। इन्होंने जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया तो उसमें इन्होंने बेरिलियम का मास भी डिफाइन किया, और बेरिलियम का मास इन्होंने बताया कि बेरिलियम का एग्जैक्ट मास 9.012 है, है ना, 0.12 है। अब क्या हुआ, जो पहले इतना था उन्होंने इन्होंने बताया कि नहीं वो उतना नहीं है, वो क्या है, बेरिलियम का मास इतना होगा। और जब बेरिलियम का मास इन्होंने डिफाइन किया तो क्या हुआ, बोरॉन के मास से बेरिलियम का मास अब क्या हो गया, लेस देन हो गया, है ना, लेस देन हो गया। तो जो पोजीशन पहले बोरॉन की आ रही थी फिर बाद में बेरिलियम की आ रही थी, उन्होंने क्या किया कि अब मास तो हो गया बेरिलियम का कम, तो क्या हुआ कि बेरिलियम की पोजीशन क्या आ गया, पहले आ गई, और बोरॉन की पोजीशन बाद में आ गई। मतलब इन्होंने क्या किया, एक मिनट मेरे को लिखा हुआ 9.4 बेरिलियम वाज प्लेस बिफोर द बोरॉन, है ना, यहाँ पे क्या है, उन्होंने पहले मास इसका अलग कंसीडर किया जा रहा था, जब इन्होंने मास बताया तो फिर क्या हुआ, सेकंड इनके मेरिट में ये हो गया कि इन्होंने बेरिलियम की पोजीशन को फिक्स कर दिया। तो सेकंड इनका मेरिट क्या हो बेटा, कि ही फिक्स पोजीशन ऑफ बेरिलियम, ठीक है जी। चलिए सेकंड मेरिट हो गया, और आप नेक्स्ट मेरिट बताइए क्या होना चाहिए। फिर आपने बताया था, भैया बता रहे थे उसी पे हमने ये डिस्कस किया, भैया बता रहे थे कि सर जो फ्यूचर एलिमेंट्स थे जो उस टाइम तक ढूंढे नहीं गए, बाद में जो ढूंढे गए उसका भी प्लेस इन्होंने पहले ही डिफाइन कर रखा था, प्लेस टू प्लेस उन्होंने उसको अभी मेटल एलिमेंट ढूंढा नहीं गया था, उसके पहले ही इन्होंने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज में बता दिए थे कि जो मेटल ढूंढा जाएगा, जो इस प्लेस पे रखा जाएगा, उसकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऐसा होगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ऐसा होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऐसा होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सब कुछ इन्होंने पहले ही बता दिया। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, कुछ चीज ढूंढी नहीं गई है और उसने पहले ही बता दिया कि जो ढूंढा जाएगा वो ऐसा हो, है ना, ऐसा हो। तो ये एक मेरिट है। अच्छा कौन कौन से एलिमेंट नहीं ढूंढे गए थे, है ना, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कैडमियम नहीं ढूंढा गया था, है ना, फिर क्या, स्कैंडियम नहीं ढूंढा गया था, और क्या, जर्मेनियम, है ना। बेटा देखिए आपको ये पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है गैलियम की पोजीशन, स्कैंडियम की पोजीशन दिख रही है, दिख रही है, अच्छा स्कैंडियम की पोजीशन कहाँ है, बोरॉन के नीचे एलुमिनियम है, उसके नीचे स्कैंडियम है, कौन सा ग्रुप बेटा, थर्ड ग्रुप, बेरिलियम एलुमिनियम, फिर उसके नीचे स्कैंडियम आ रहा है, उसके नीचे देखिए गैलियम भी आ रहा है, और गैलियम के आगे वाले फोर्थ ग्रुप में क्या आ रहा है, जर्मेनियम आ रहा है। देखिए जब क्या हुआ, इन्होंने पहले ही ये प्लेसेस ब्लॉक कर रखे थे, मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तो उस टाइम जब पीरियोडिक टेबल इन्होंने डिफाइन कर दिया, मतलब पीरियोडिक टेबल इन्होंने जब बना दिया तो उन्होंने क्या किया कि जो पोजीशन थी स्कैंडियम की वो छोड़ रखी थी, गैलियम की छोड़ रखी थी, और साथ ही साथ अब नेक्स्ट जो था
रखी हुई थी, है ना? अब इन्होंने वहां पे प्लैंक तो रखी हुई थी, है ना, लेकिन इसका कुछ नाम भी देना था उन्हें। इसका कुछ नाम भी देना था, तो उन्होंने तो बोला कि ये जो मेटल होगा, ये जो एलिमेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टी ये किससे मैच खाएगी? बोरॉन से। और ये जो एलिमेंट होगा, जब ये डिस्कवर होगा, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच खाएगी? एल्युमिनियम से। ये जो एलिमेंट होगा, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच खाएगी? सिलिकॉन से। तो इस बेसिस पे इन्होंने प्रॉपर्टी तो बताई ही बताई, है ना, और इस बेसिस पे इन्होंने नाम भी दिया। किस एलिमेंट का नाम दिया? इक्का बोरॉन। किस एलिमेंट का नाम दिया? इक्का एल्युमिनियम। और इसका नाम दिया इक्का सिलिकॉन। अच्छा, नाम ही नहीं दिया, इन्होंने क्या किया, नाम के साथ साथ एटॉमिक मास भी बताया, है ना। बोरॉन का एटॉमिक मास हो पता है 40, एल्युमिनियम का पता है 68, और इक्का सिलिकॉन का पता है 72, है ना। और जब बाद में जब ये मेटल डिस्कवर किए गए, तो देखा गया कि उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम टू सेम वही है जो उन्होंने कभी बताया था, है ना। और उस टाइम इसका नाम चेंज कर दिया गया, इक्का बोरॉन को क्या नाम दे दिया उन्होंने? स्कैंडियम एससी, ठीक है। फिर इक्का एल्युमिनियम को क्या नाम दे दिया उन्होंने? गैलियम जीए। और इक्का सिलिकॉन को क्या नाम दे दिया उन्होंने? जर्मेनियम जी, ठीक है बेटा। ये सेकंड मैरिज था, मींस ही ऑल द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट वाज नॉट